बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए आलू के कटलेट्स की बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक सी रेसिपी लेके आए हैं। चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं और बताते हैं ये कैसे बनेंगे। जी यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू बॉईल कर ली हैं और साथ में 250 ग्राम चिकन बॉईल करके उसको इस तरह शेड कर लिया है। अब इसको इसके अंदर डाल के, चिकन को आलू के अंदर डाल के हम मिक्स करेंगे। ये धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको ऑलरेडी मैंने वॉश करके रखा हुआ था ताकि इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए, इसके अंदर पानी ना रह जाए। अगर धनिया हम फ़ौरन गीला गीला अपने आलू के अंदर डालते तो हमारे जो आलू थे वो बहुत नरम से सॉफ्ट से हो जाने थे। यहाँ पर मैंने नमक और मिर्च हसबे ज़ायका डाल दिए हैं। अब मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना सूखा धनिया लेके उसको अच्छी तरह से मैश हाथों से इस तरह करके डाल दूँगी। और हाथ से जब इस तरह मैश करके डालते हैं तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा लूँगी और ज़ीरा भी इसी तरह मैं हाथ से अच्छी तरह से मैश करके इसके अंदर डाल दूँगी। ज़ीरा और धनिया दोनों मिक्स करके इकट्ठा उनका पाउडर बना के हम सेव भी कर सकते हैं और उसको जब हम चाहें जिस चीज़ में चाहें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 प्याली प्याज चॉप ले ली है, वो इसमें डाल दी है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद हम इनसे कटलेट्स बनाएंगे। और कटलेट्स हम इस तरह बनाएंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ बॉयल एग ले ली हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक छोटे छोटे से कटलेट्स बना लूँगी। और इस तरह से जब मैं कटलेट्स बना लूँगी तो तकरीबन ये मैं 6 से 7 पहले मैं आपको बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से बनेंगे। इस तरह से छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक बारीक से आपने कटलेट्स बनाने हैं, बहुत मोटे कटलेट्स नहीं बनाने क्योंकि अभी हमने इसके अंदर एग को स्टफ़ करना है तो इसके साथ ये और भी ज़्यादा फिर थिक सा हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने 1 बारीक अपना कटलेट्स जो है वो ले लिया है और उसके ऊपर अपना एग का एक पीस रखा है और साइड पर फिर दूसरा कटलेट्स लगा दिया है। अब इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह जो बाकी कटलेट्स हैं वो सारे के सारे हम सेम इसी तरह तैयार कर लेंगे। आप भी इनको इसी तरह तैयार कर लीजिए। अब इसको तैयार करके एक साइड पे रखते हैं और फिर इसको फ्राई करने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे कटलेट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैदे के लूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी एक बिल्कुल पतली सी लेई बनाऊँगी। मैदे के साथ इसको फ्राई करने से ये होगा, मैदे की इसकी हम कोटिंग करेंगे कि ये बाहर से क्रिस्पी और बड़े अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए अब इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मिक्स करूँगी और इसकी एक पतली सी लेई बनानी है। इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं ऑयल जो है मैंने अपने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और इसके ऊपर ऑयल डालूँगी और इसको फिर मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसी बैटर के अंदर डिप करके इसको फ्राई कर लूँगी और इस तरह 1 बाय 1 मैं इसमें रखती जाऊँगी। अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, ये वेट लॉस के लिए ठीक है कि आप शैलो फ्राई करके खा लें। इतने सॉइल में तकरीबन 8 से 10 मेरे जो हैं कटलेट्स तैयार हो गए थे और आप आसानी 2 कटलेट्स खा सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि 2 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून ऑयल था, 2 टेबलस्पून ऑयल में 8 से 10 कटलेट्स जो तैयार हो गए थे। इनको हल्की आग पर पकाएंगे और बिल्कुल लाइट सा इनको कुक कर ब्राइट ब्राउन करेंगे और इनको क्रिस्पी होने देंगे। आग तेज़ नहीं रखनी, आग हल्की रखनी है और इनको क्रिस्पी हो लेने देना है और इसी ऑयल में, इतने ही ऑयल में ये पकेंगे और अच्छी तरह से इनको कुक कर लेना है। आप वेट लूज़ में ये बड़ी आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम लगा है। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कम ऑयल में किया है तो आप भी इस तरह कम ऑयल में इसको फ्राई करके खा सकते हैं। इफ्तार में जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, जो फ्राई चीज़ नहीं खाते, वो इस तरह से ये वाले कटलेट्स बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छी मिकदार में हैं, बिल्कुल सही हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ये देखिए यहाँ पे अब मैं ये अपने जो कटलेट्स हैं इनको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये जो रेडी हो चुके हैं ये किस तरह के लग रहे हैं। जब इसको सर्व करें, जब कोई गेस्ट आएगा उसके आगे रखेंगे, जब वो काटेंगे अंदर से तो उनको जब अंडा सरप्राइज से अंदर से एग नज़र आएगा तो वो बड़े खुश होंगे और बड़ी डिफरेंट सी और यूनिक सी रेसिपी लगेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी बनी। और अगर हमने वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।